सो है गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल OP46 व्लॉग्स। तो आज की इस व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं बोरा बाजार, क्योंकि एक नया GoPro लेना है। और वो किसके लिए लेना है, तो ये है हमारा नया व्लॉगर। तो इसके चैनल के बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। तो अभी हम लोग मुंबई के लिए निकल रहे हैं, सो फटाफट निकलते हैं। अभी दोपहर के 12 बज रहे और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो गाइज। और अभी पहले पेट्रोल डालना है गाड़ी में, तो पेट्रोल डालते हैं और उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को। तो ये आ चुके हम लोग पेट्रोल पंप और लग गए लाइन में। तो अभी पेट्रोल डाल दिया, अभी एयर फिल करके निकलते हैं क्योंकि दूर जा रहे हैं। धूप काफ़ी ज़्यादा है वैसे भी मुंबई में, गर्मियाँ शुरू हो चुकी है और इसलिए स्लीव्स ओपन कर लिए, ग्लव्स भी पहन लिए ताकि टैनिंग ना हो। और अभी देखते हैं, जैसा भी होता है आगे कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को, क्योंकि धूप में ज़्यादा बोलूँगा नहीं मैं। फटाफट ये डिस्टेंस कवर करने के लिए ट्राई करेंगे हम लोग, क्योंकि धूप में वैसे भी देखने के लिए कुछ होता नहीं। गाइस, तो अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं मुंबई में और सामने वहाँ पर फ्लैग दिख रहा है कि नहीं पता नहीं आपको, बट काफ़ी सही लग रहा है। और अभी हम लोग 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। अभी तो पहला ब्रेक सीधा हम लोग ने बोरा बाजार में ही लिया है। राइट गाइस, तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके थे और बोरा बाजार जस्ट अंदर ही है, बट थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए मुँह धो लिया और जूस पी लिया। एक नंबर जूस लेने का यहाँ पे मिल रहा है, ट्राई ज़रूर करना। जस्ट एंट्रेंस पे ये गली के, तो अभी बोरा बाज़ार है अंदर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मैक्रो फोटो और उधर से हम लोग देखेंगे आज कि कौन सा GoPro परचेस करना है। पहले सोचा था कि एक 360 कैमरा लेंगे जो 2-in-1 हो, जिससे हम लोग ज़्यादातर रील्स भी शूट कर पाए, बट अभी सीन ऐसा है कि वाटरप्रूफ में वैसा कैमरा अवेलेबल है नहीं। तो फिर हमने सोचा कि चलो GoPro में अपग्रेड कर लेते, कोई नहीं, मेन मोटिव तो व्लॉगिंग का ही है, तो व्लॉगिंग के लिए GoPro बेस्ट रहता है। और GoPro के अलावा और कोई कंपनी नहीं इतनी अच्छी जो एक्शन कैम्स बनाती हो। तो जस्ट राइट साइड में आगे जाके मेन हमारा मार्केट है, जिसमें 2-3 शॉप है, बट मैक्रो फोटो से मैं 2-3 साल पहले से सामान ले रहा हूँ। तो मेरा हीरो 8 था, आपको पता ही होगा अगर आप मेरे व्लॉग्स पहले से देखते हो। तो मेरे पास GoPro हीरो 8 था, तो उसके बाद में फिर मैंने 9 में अपग्रेड किया। तो जैसे कि देख पा रहे हो, अभी यहाँ से राइट में फर्स्ट शॉप इन्हीं का ये टपरी के बाजू में, तो हम लोग यहीं पर जा रहे हैं अभी। तो चलो देखते। सो जैसे कि देख पा रहे हो, ये है सामने शॉप और अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। ये देखो, इधर आके शूलेस बांध रहा है, पूरा पनवेल से इधर आए तब तक खुले थे। तो अभी हम लोग ने फाइनल किया है GoPro 11 बंडल के साथ। ये उसका स्क्रीन प्रोटेक्टर, SD कार्ड 128 GB और माइक अडैप्टर। तो इसके अलावा एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि कैमरा के रेट्स से एक बार देख के आना। मेरा 9 का प्राइस क्या रहेगा? नया 32,000 में आपको हीरो 9 मिल जाएगा। और 10 का 38। तो देख पा रहे हो आप कितना 6,000 का डिफरेंस है। और ये वाला हम लोग को बंडल जो है वो मिला, बट बंडल का प्राइस है 46,500। तो अभी इसे अनबॉक्स वगैरह कर लेते हम लोग। हेलो, तो फर्स्ट हम लोग का कैमरा आ चुका है बाहर। ये हमारा GoPro 11, उसके बाद में ये है हैंडलर इसका, और उसके साथ यहाँ पे हेड माउंट एक मिलता है और जो नॉर्मल क्लिप्स और 2 बैटरी हमारी। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो यहाँ पे GoPro के साथ आपको DSLRs वगैरह और सब कैमरा एक्सेसरीज, माइक, लाइट सब मिल जाएगा। और यहाँ पर फिर गिम्बल्स वगैरह, ट्राईपॉड्स, सब चीज़ें मिल जाएगी, गोरिल्ला पॉड वगैरह, जिससे कि लाइट्स वगैरह देख पा रहे हो। तो शॉप का एड्रेस और नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अभी घर पे भी जाना है, और रुकते किसी शांति प्लेस पे और ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं फिर। सो ऑलराइट गाइस, तो पीछे लाइट है हमारे और हम लोग लाइट के अपोजिट जा रहे हैं। तो अभी हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं और उसी के साथ सीन ऐसा है कि इसके कैमरा से थोड़ा बहुत शूट करने का था, बट दोनों ही कैमरा में बैटरी जो है वो 10-18% है। तो पूरी बैटरी ख़त्म करते से अच्छा तो हम लोग पहले घर पे चलते हैं और उसके बाद में चार्ज करके व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स गो।
सो ऑल राइट गाइज, तो हम लोग नेक्स्ट डे ये व्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि हम लोग आते आते लेट हो चुका था हम लोग को, और लास्ट वीडियो में जैसे कि आपने देखा पुलिस वालों ने वगैरह पकड़ा था, तो थोड़ा बहुत टेंशन वाला माहौल ऐसा वैसा होके फिर पूरा दिन मतलब ऐसा ही निकल गया, और रात को फिर मन नहीं कर रहा था शूट करने का। तो फटाफट अभी आपको कैमरा दिखा देते और बॉक्स में क्या क्या मिला वो भी दिखा देते, सो लेट्स गो। तो ऑल राइट गाइज, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो तो ये खरीदा था हम लोग ने माइक अडेप्टर, अभी फिलहाल शॉर्टेज है तो वो लोग ने प्राइस बढ़ा दिए, लेकिन हम लोग वहाँ के पुराने कस्टमर हैं हम लोग, मतलब माइक्रो फोटो से मेरा जितना भी गोप्रो वगैरह लेता हूँ एक्सेसरीज सब माइक्रो फोटो से आ रहा है, व्लॉगिंग एक्सेसरीज वगैरह। तो इसे पकड़ एक सेकंड सुरेश। तो माइक अडेप्टर हम लोगों ने परचेज़ किया है, तो एक पेपर मिल जाता है और इसके अंदर हमारा माइक अडेप्टर है जिसमें पीछे 3.5 mm का ऑडियो जैक कनेक्ट होता है। तो इसके साथ आप मोनो 400 AU माइक यूज़ करना, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो ये हो गया माइक अडेप्टर। SD कार्ड भी लिया था जो कि अभी ऑलरेडी इसमें है। तो ये है हमारा माइटी GoPro Hero 11 ब्लैक। तो अभी ये देख पा रहे हो ये कोई ग्रे मार्केट प्रोडक्ट नहीं है, अभी इसके साथ वारंटी है, ये भी हम लोग ने रजिस्टर करवा ली 1+1 ईयर मतलब 2 ईयर्स की वारंटी। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा बॉक्स पे कुछ स्पेसिफिकेशन, 27 MP कैमरा, 5K वीडियो रिजोल्यूशन है जिसमें आपको 60 FPS मिल जाते हैं, 4K 120 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो, और 2K जो है वो आप 270 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो, वाटरप्रूफिंग 33 फिट जो हर GoPro आता है, वॉइस कंट्रोल है इसमें जो पहले से आता है, 8x स्लोमो वाला एक फीचर नया ऐड हुआ है, और ये आप देख पा रहे हो इसमें एक वेबकैम मोड भी है और मोड्स रेडी जो कि आप कर सकते हो 9-8 से भी चालू हो जाता है। बट यहाँ पे आपको एक हाइपर स्मूथ की बैजिंग 5.0 काफ़ी बड़ी देखने के लिए मिल जाती है, तो हाइपर स्मूथ 5.0। तो अभी हम लोग अगर इसे ओपन कर लेते तो बॉक्स पे वैसे अगर मैं आपको प्राइस दिखाना चाहूँ 59,300, तो हम लोग ने इसके लिए पे किया है 46,500 पे किया इसके लिए। तो अभी बॉक्स करते ओपन, तो काफ़ी प्यारा सा बॉक्स मिल जाता है। तो ये बॉक्स आप काफ़ी इजीली कैरी कर सकते हो अपने बैग में वगैरह, तो काफ़ी प्यारा बॉक्स है। तो अभी ओपन करते इसे, ओपन कर भाई। तो बॉक्स आप जैसे ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने के लिए मिल जाएंगे, तो सब बताते हैं लेकिन मैं आपको फटाफट डिटेल्स में बताता हूँ। तो इसमें आपको कैमरे में बैटरी वगैरह कैसे इंसर्ट करनी है वो लिखा हुआ मिल जाता है, और ठीक इसके पीछे आपको 3 GoPro के स्टिकर मिलते हैं, 1, 2 और ये छोटा वाला 3 पिद्दी जो आप अपने हेलमेट बाइक पे लगा सकते हो। तो ये एक आपका देख पा रहे हो ये प्रोडक्ट मैनुअल होता है, अगर आपको कुछ भी देखना है तो आप इसमें देख सकते हो, तो इसे भी साइड में रख देते। ये देखो अभी इसमें जो बैटरी ऐड हुई है ना गाइस, ये आप लो से लो टेम्परेचर में भी यूज़ कर सकते हो, तो ये बैटरी डेड नहीं होती, जैसे कि आपको पता होगा कि लिथियम आयन की बैटरीज एक सर्टन टेम्परेचर पर जाने के बाद वो डेड हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, अगर आपको पढ़ना है और बैटरीज के बारे में कुछ चाहिए इन्फॉर्मेशन तो आप इसे पॉज करके देख सकते हो, तो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं घुसेंगे। तो अभी हम लोग ने लिया है ये बंडल पैक है जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, और इतनी सारी एक्सेसरीज है, तो एक्सेसरीज इसमें है, और मैं आपको फटाफट बता देता हूँ क्या क्या एक्सेसरीज है। तो फर्स्ट आपको मिल जाता है एक हेड माउंट मिल जाता है जो कि GoPro का ओरिजिनल है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। उसके बाद में एक आपको हैंडलर देखने के लिए मिलता है यहाँ पे, जिस पे आप यहाँ पे GoPro की क्लिप लगा के यहाँ पे कैमरा पकड़ के व्लॉगिंग कर सकते हो, और इसकी जो ग्रिप है ना गाइस वो काफ़ी तगड़ी है, जो आपको फीडबैक मिलने वाला है इसे पकड़ते हुए मतलब हैंडलिंग का वो काफ़ी अच्छा है। और मेन हैंडलर इसलिए यूज़ होता है जब आप स्विमिंग पूल में या फिर सी में वगैरह जा रहे हो स्कूबा डाइविंग के लिए, और आपका कैमरा अगर हाथ से छूट जाता है तो ऐसा ऊपर आता है और ये फ्लोट करने लगता है, और ये ऑरेंज हाईलाइट आप देख के पता कर सकते हो अपना GoPro कहाँ पे। सो इसे भी रख लेते हैं साइड में। तो यहाँ पे आपको जैसे कि हर GoPro के साथ मिलता है, तो ये अलग अलग था बट जॉइंट कर दिया, ये क्लिप है और ये इसका लॉक है, और ये प्लेट आप हेलमेट पे वगैरह लगा सकते हो व्लॉगिंग करने के लिए मोटो व्लॉग के लिए। तो ये एक चीज़ आपको इस बंडल में एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो ये कैप में लगता है, अगर मैं बताना चाहूँ तो आपकी कैप की जो चाली होगी वो यहाँ पे ऐसा लग जाएगा फिट, और आप फिर उसे वेयर करके फिर इस पर GoPro माउंट करके शूट कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छी काम की चीज़ है अगर आप ट्रैकिंग वगैरह पे जाते हो और कैप पहनते हो, तो ये काफ़ी आपके यूज़ में आने वाला है। तो उसके बाद में यहाँ पे नीचे हमें दो थंब स्क्रूज देखने के लिए मिलते हैं बॉक्स में, और डाटा केबल, वैसे डाटा केबल अभी घर पर रखी हुई है, टाइप सी वाली आती है। तो उसके साथ हमें दो ये नई बैटरीज देखने के लिए मिल जाती है, तो उसी के साथ हमें ये दो बैटरीज देखने के लिए मिल जाती है जो कि वाइट कलर में है, एक तो अभी तक ओपन की नहीं है। तो ये दो बैटरीज हैं हमारे पास, और मेन प्रोडक्ट जो है हमारा वो है GoPro Hero 11 ब्लैक। तो कैमरा अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये है हमारा कैमरा, और एक और बात मैं आपको यहीं पे बताना चाहूँगा कि इसमें हम लोग ने अभी 128 GB का एक्सट्रीम SD कार्ड डाल के रखा है जो कि 1300 रुपये में हम लोग ने परचेस किया है। ओवरऑल जो साइज़ है वो GoPro Hero 9-10 से सिमिलर है, फ्रंट की जो डिस्प्ले है वो भी साइज़ वगैरह सेम है। और एक बात गाइज, इसके जो काफ़ी सारे एक्सेस 9, 10 और 11, इन सब का वाटरप्रूफ हाउसिंग हो गया, स्क्रीन प्रोटेक्टर्स हो गए, ये सब सारी चीज़ें सेम होंगी क्योंकि ये फिजिकली मतलब कैमरा सेम है, फीचर्स काफ़ी ज़्यादा लोडेड है इसके अंदर,
और फ्रंट स्क्रीन जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे आपको वही साइड में मोड का बटन देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पे आपको क्विक कैप्चर मोड ऑन रखते हो तो यहाँ से आपका चालू होता है रिकॉर्डिंग, फोटोज़ क्लिक करने के लिए बटन, और यहाँ पे आपको ब्लू कलर में बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है GoPro Hero 11 पे। और अभी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ वो है GoPro Hero 9, तो साइड बाय साइड आप देख पा रहे हो, तो ये है 11, ये है 9, तो बीच में एक जनरेशन मतलब दो जनरेशन का गैप, तो 9 और 11 तो दोनों है हमारे पास, बट आपको 9 जो है वो अभी 32,000 में देखने के लिए मिलेगा जैसे कि मैंने वीडियो में बता दिया, और ये जो है वो 46,500 में देखने के लिए मिलेगा, तो काफ़ी मतलब प्राइस में डिफरेंस आ जाता है। तो आपको कौन सा कैमरा लेना चाहिए, तो क्वालिटी के वाइज अगर आप सोच रहे हो कि मैं मोटोलॉग स्टार्ट करूँ, बट मेरा उतना बजट नहीं है कि मैं 46 इन्वेस्ट करूँ, तो मैं एक ओल्ड जनरेशन कैमरा ले लूँगा बट न्यू, तो अभी ये कैमरा मिल जाएगा आपको और इसके साथ वारंटी भी मिल जाती है आपको 1+1 ईयर की, तो ये कैमरा के साथ आप डेफिनेटली जा सकते हो 32,000 में, काफ़ी बेटर ऑप्शन है। और GoPro के अलावा और कोई कैमराज है नहीं मार्केट में जो इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के साथ आते हो और जिनकी रिलायबिलिटी इतनी अच्छी हो। तो अगर आपको इसके और मेरे वाले GoPro Hero 9 में कंपैरिजन वीडियो चाहिए क्वालिटी के वाइज, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दो और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। सो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, कोई क्वेश्चन होंगे तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM करो, शॉप का एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, माइक्रो फोटो करके शॉप है, उनका इंस्टाग्राम पेज का भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा नीचे, और अगर आपको लिंक और एड्रेस चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करो। तो करते हैं आज का ब्लॉग यही एंड, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, पीस आउट।